हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और आज हम पीपल एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो एमसीक्यू है उसका पार्ट टू डिस्कस करने वाले हैं। पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां पर आप लगभग सभी टॉपिक्स की वीडियोस देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से वायु प्रदूषक को मुख्य रूप से किस में वर्गीकृत किया गया है? तो हमें बताना है वायु प्रदूषक जो होते हैं उन्हें कितने वर्गों में जो है वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक और माध्यमिक प्रदूषकों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक वायु प्रदूषक और माध्यमिक वायु प्रदूषक के बीच मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर हमें बताना है इसमें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक प्रदूषण जो होते हैं वो सीधे एक प्रक्रिया से उत्सर्जित होते हैं, जबकि अगर माध्यमिक प्रदूषकों की बात करें तो माध्यमिक प्रदूषक वातावरण में रासायनिक प्रतिक्रियाओं से उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक प्रदूषक जो होते हैं वो सीधे उत्सर्जित होते हैं और माध्यमिक प्रदूषक जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष तरीके से होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा उदाहरण माना जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड कोयले के जलने से उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक वायु प्रदूषक का उदाहरण है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओजोन फोटोकेमिकल स्मॉग के दौरान उत्पन्न होती है। ठीक है ना, ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NO2 और SO2 और SPM के बीच में ऐसी कौन सी सामान्य विशेषता है जिससे कि उन सभी को क्या किया जाता है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं हमारे यहाँ, तो इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक प्रदूषकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये सभी जो हैं प्राथमिक वायु प्रदूषक हैं जो कि अम्लीय जमाव में योगदान करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायुमंडलीय प्रदूषक मुख्य रूप से किस में मौजूद हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शोभ मंडल और निचले समताप मंडल में। और मैं बता दूं, समताप मंडल में ही एक गैस पाई जाती है जिसे कहते हैं MO3, यानी कि ओजोन गैस। ठीक है, और अगर हम बात कर रहे हैं वायुमंडल की तो याद रखें वायुमंडल में जो सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है वो है नाइट्रोजन। ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं, 78 point something है। ठीक है ना, परसेंट में। नेक्स्ट है, किस पर्वतीय शिखर के पारिस्थितिकीय तंत्र के संरक्षण के लिए सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतही ओजोन किससे उत्पन्न होती है? तो ये होती है परिवहन क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा आता है वो है भूकंप। ठीक है, और ये देखिए क्वेश्चन विवादित हो सकता है क्योंकि बाढ़ जो है वो भी भारत में काफ़ी आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सी धातु मिनीमाता रोग के लिए जिम्मेदार है? अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप इसका आंसर जानते होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पारा। ठीक है, इसी से इसकी जो अधिकता होती है तब जो है ये रोग होता है मिनीमाता रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे का सेवन मुख्य रूप से किसे नुकसान पहुंचा सकता है? यानी कि अगर शीशे का सेवन किया जाता है तो इससे किसको नुकसान पहुंचता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क पर। ठीक है, लेड भी कहते हैं हम इसे, शीशे को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्र में से कौन सा जीवाश्म ईंधन के जलने से CO2 के उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। लेकिन अगर आपसे वर्तमान में पूछ ले तो आएगा चीन। ठीक है, वर्तमान में चीन पहले पर है, दूसरे पे अमेरिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल भित्तियों को समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है क्योंकि, क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परवालों में अत्यधिक जैव विविधता होती है इस कारण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं जून नेट के एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हर एक टॉपिक पर आपको वीडियोस वहां पर मिल जाएगी। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी गैस पूरी तरह से मानव जनित है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपोषण से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सत्य है। तो देखें, पहला क्या कह रहा है कि सुपोषण प्रक्रिया में जल में घुली ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है। सही है ये। और सुपोषण प्रक्रिया में जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। ठीक है, मात्रा नहीं बढ़ती है। ठीक है, मांग बढ़ती, मात्रा नहीं बढ़ती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, केवल एक सत्य है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिकतम कालिख उत्सर्जित होती है? सूट जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ताप विद्युत संयंत्रों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन के स्तर में संतुलन बनाए रखा जा सकता है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण और कोशिकीय श्वसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न समस्याएं मूल रूप से किसे प्रभावित करती हैं? तो ये प्रभावित करती हैं संचार और श्वसन प्रणाली को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पैरोक्सीटाइल, ठीक है, पैरोक्सीटाइल नाइट्रेट जिसे हम कहते हैं पैन के संदर्भ में सत्य है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये माध्यमिक प्रदूषक होता है और यह तभी उत्पन्न होता है जब हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और मानव में श्वसन रोगों का ये कारण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी की गुणवत्ता और पानी के में जैविक पदार्थ की उपस्थिति का सूचक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, BOD। सो ये तो था हमारा वीडियो। ठीक है, इसका पार्ट 3, दो पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे पीपल एंड एनवायरमेंट में,
ठीक है, तो पहले की वीडियोस नहीं देखी तो देख लें आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।